सुबह सुबह हम सबको व्यायाम करना चाहिए, उससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। खैर मैं योगा नहीं कर रहा था, फिलहाल शाम हो रही है। तो देवी और सज्जनों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग मजा में होंगे और स्वागत है आप सभी का रोचक तथ्यों में, मतलब फैक्ट्स। तो आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते और फटाफट से इस वीडियो को आरम्भ करते हैं। एक बीकन काफी पावरफुल ब्लॉक होता है और इसे बनाने के लिए हमें किसी भी टाइप के ओर का कुछ ऐसा पिरामिड बनाना पड़ता है। भले इस पिरामिड में मम्मी नहीं होती, मेरे जैसा सिंपल प्लेयर तो एक सस्ता वाला बीकन बनाएगा, लेकिन फिर आते हैं कुछ प्रो प्लेयर जिन्होंने इस गेम को कम से कम 100 बार तो कंप्लीट कर चुका होता है भले क्रिएटिव में, और ये बनाते कोई ऐसा वैसा नहीं। सबसे महंगा नेदरराइट वाला बीकन, लेकिन क्या कभी सोचा है एक फुल्ली नेदरराइट बीकन बनाने में आखिर कितने एंशिएंट एवरेज लगते होंगे। एक फुल स्टैक नेदरराइट बीकन बनाने में करीब 165 नेदरराइट ब्लॉक, 1485 नेदरराइट इंगट्स यानी करीब 5940 एंशिएंट एवरेज लगते हैं, और ऐसे में भाई काफी बड़ा नंबर है। खुदाई कर करके हमारे नेदर की ऐसी तैसी हो जाएगी, लेकिन इतना एंशिएंट एवरेज नहीं मिलेगा। माइनक्राफ्ट का रेगिस्तान किसी काम का नहीं है, वहाँ पर इस सड़े हुए हरे पौधे के अलावा कुछ नहीं उगता, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही काम की चीज मिलती है और वो है ये डेजर्ट टेंपल। लेकिन इनके बारे में काफी मस्त फैक्ट है, आपने डेजर्ट टेंपल में टेराकोटा ब्लॉक्स तो देखे होंगे, लेकिन 1.18 से पहले डेजर्ट टेंपल में टेराकोटा ब्लॉक्स नहीं बल्कि इनकी जगह वुल लगी हुई रहती थी जिन्हें बाद में टेराकोटा से रिप्लेस कर दिया गया। और मजे की बात तो यह है, एक डेजर्ट पिरामिड में टोटल 55 टेराकोटा ब्लॉक्स होते हैं जिनमें 54 ऑरेंज और एक पर्पल वाला होता है, क्या ही मैथ लगाई है। माइनक्राफ्ट में टोटल 9 टाइप्स की वुड्स हैं, जिनमें से क्रिम्सन और वॉब्ड नेदर में मिलती हैं और बाकी की 7 हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में। लेकिन फैक्ट तो यह है, क्रिम्सन और वॉब्ड माइनक्राफ्ट की अकेली ऐसी वुड हैं जिनकी टेक्सचर में एनिमेशन होता है, चेक करके देखना। पाउडर स्नो काफी खतरनाक चीज है क्योंकि अगर एक बार इसमें गिर गए तो खत्म, और इससे तो बेचारा हमारा वार्डन भी नहीं बच पाया। लेकिन इन 3 मॉब्स के साथ तो मोजाइन ने कुछ ज्यादा ही भेदभाव कर दिया। ब्लेज, स्ट्राइडर और मैग्मा क्यूब माइनक्राफ्ट के अकेले ऐसे मॉब्स हैं जिन्हें बाकी मॉब से पाउडर स्नो से काफी ज्यादा तेज डैमेज मिलता है, यानी अगर ये एक बार इसमें गिर गए तो फिर तो भाई खत्म है। माइनक्राफ्ट में हम घोड़े की सवारी कर सकते हैं, गधे की सवारी कर सकते हैं, यहाँ तक कि सुअर की भी सवारी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पानी में लेकर जाएं तो ये सब हमें धोखा दे जाते हैं। लेकिन अगर हम लामा को राइड करें, वैसे से चलाते कैसे हैं, तो अगर हम लामा को राइड करें और उसे पानी के अंदर लेके जाएं तो वो हमें नीचे नहीं गिराता, ये देखो अच्छा लामा। ओए, अगर हम स्ट्राइडर को मारते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग को ड्रॉप करता है, अभी मकड़ी की तरह लटकता तो है नहीं तो स्ट्रिंग को ड्रॉप करता है, तो इसके पीछे का लॉजिक है, पिलेजर्स के पास होती है क्रॉसबो और नेदर में भाई मकड़ियां तो स्पॉन होती है नहीं, तो ये आखिर क्रॉसबो बनाएंगे कैसे, इसलिए हमेशा स्ट्राइडर स्ट्रिंग को ड्रॉप करता है ताकि क्रॉसबो बना सके, गरीब लोग। अगर हम ब्राउन मशरूम काऊ को कोई भी फ्लावर खिलाते हैं तो उससे हमें जो सस्पिशियस टू मिलता है उसमें हमेशा कोई ना कोई एक रैंडम इफेक्ट जरूर रहता है, ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ये इफेक्ट रैंडम नहीं होता। माइनक्राफ्ट में टोटल 10 टाइप्स के फ्लावर्स हैं और इस टेबल के अकॉर्डिंग जो भी टाइप का फ्लावर आप मशरूम काऊ को खिलाओगे आपको उसी टाइप का सस्पिशियस टू मिलता है, और ये चीज सही में काम करती है, चेक करके देखना। जितना डर मुझे एंडर ड्रैगन से नहीं लगता उतना मुझे इस डब्बे से लगता है, क्योंकि अगर इसने एक बार हवा में उड़ा दिया और अगर आसपास कोई जगह नहीं मिली तो, लेकिन असल में कुछ ऐसा दिखता होगा मैंने सोचा भी नहीं था। अगर हम एक शल्कर के ऊपर इनविजिबिलिटी का पोशन डालते हैं तो असल में ये कुछ ऐसा दिखता है, और सही बताऊं इससे बड़ी तो मेंटोस की टॉफी आती है। अबे साले, अगर हम एक्सोलोटल को टेम करते हैं तो वो ट्रॉपिकल फिश से टेम होता है, लेकिन नॉर्मल वाले नहीं, बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फिश से, तो वो नॉर्मल की जगह सिर्फ बकेट से ही टेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू द मोजैंग डेवलपमेंट डायरीज, रियल लाइफ में एक्सोलोटल्स सिर्फ जिंदा मछलियां खाते हैं, इसलिए माइनक्राफ्ट में वो सिर्फ बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फिश से टेम होता है, इनके अलग ही नखरे चल रहे हैं। नेदर में हमें 2 टाइप के पिगलिन मिलते हैं, एक है गरीब वाला जो हर जगह फिरता रहता है और एक है अमीर वाला जो पेशेंस में मिलता है, और सही में इन दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक पिगलिन ब्रूट के पास 50 HP होती है और वहीं एक नॉर्मल पिगलिन के पास सिर्फ 16 HP होती है, और इस डिफरेंस के पीछे काफी अजीब लॉजिक है। तो मोजैंग के तहत पिगलिन ब्रूट के पास 50 HP इसलिए होती है क्योंकि उसके हाथ पे एक गोल्ड का आर्म गार्ड लगा हुआ होता है, मतलब कुछ भी अगर हम पूरा गोल्ड का आर्मर भी पहन लें तो फिर भी क्रीपर हमें बजा के चला जाता है, और इसने बस इतना सा सोना पहन रखा है और इसकी हेल्थ 50 HP। कार्ड पंपकिन माइनक्राफ्ट का अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसे हम एंचांट कर सकते हैं, वैसे तो ये भी ब्लॉक नहीं है, एक सब्जी है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लॉक ही है, चेक करके देखना। अगर हम एंशिएंट सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ सोल फायर देखने को मिलती है, और ओवरवर्ल्ड में ये माइनक्राफ्ट की अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर हमें नेचुरली स्पॉन सोल फायर देखने को मिलती है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। असली फैक्ट तो यह है, अगर हम वार्डन के हार्ट को ध्यान से देखें तो उसकी हार्ट पे सेम सोल सैंड वाला डिजाइन बना हुआ होता है, ये देखो। अब मैं जो आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ इससे सही में काफी सारे प्लेयर्स की जान बच सकती है। अगर हम एंशिएंट सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें स्कल स्ट्राइकर देखने को मिलता है जो वार्डन को बुलाने का काम करता है, लेकिन स्ट्राइकर वार्डन को एक बारी में नहीं टोटल 4 बार साउंड निकालने पर बुलाता है। अगर स्ट्राइकर आपको पहली बार सेंस करता है तो वो नॉर्मली अपनी साउंड निकालता है, अगर वो आपको दूसरी बार सेंस करता है तो वो अपनी साउंड के साथ एक स्कल सेंसर की साउंड निकालता है, तीसरी बार सेंस करने पर वो अपनी साउंड के साथ वार्डन की हार्ट बीट निकालता है,
और फाइनली फोर्थ बार डिटेक्ट करने पर वो अपनी साउंड स्कल सेंसर और वार्डन की हार्ट बीट तीनों एक साथ निकालता है और तब जाके वार्डन स्पॉन होता है। और भाई सही में काफी ओपी चीज है। अभी मेरी इन्वेंटरी पूरी भरी हुई है। चल आप सोच रहे होंगे मैंने कोई नशे फूंक लिए हैं, लेकिन सही में मेरी इन्वेंटरी भी भरी हुई है। ये देखो माइनक्राफ्ट में काफी सारे रंग बिरंगे ग्लासेस हैं, जिनमें से जावा एडिशन में एक लाइट ग्रे ग्लास पेन है जो माइनक्राफ्ट की इन्वेंटरी में दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसका कलर और इन्वेंटरी का कलर बिल्कुल सेम है, जिससे वो जादू बन जाता है। तो मोजैंग ठीक करो यार इसको। अगर आप एंशिएंट सिटी जाओगे और एक नेचुरली स्पॉन स्ट्राइकर के बगल में खुद का स्ट्राइकर रखोगे तो आप देखोगे आपके स्ट्राइकर का एनिमेशन नेचुरल वाले के उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा होता है और साथ में उसका कलर भी पहले वाले से हल्का हो रखा होता है। चेक करके देखना। 1.19 में पहली बार एक क्राफ्टेबल डिस्क डिस्क 5 को ऐड किया गया था और भाई मेरे हिसाब से तो ये माइनक्राफ्ट की सबसे डरावनी डिस्क है क्योंकि इसके अंदर की साउंड किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। और इस डिस्क की प्लेइंग ड्यूरेशन अराउंड 2 मिनट 58 सेकंड्स है। ये किताब मुझे माइनक्राफ्ट की सबसे घटिया किताब लगती है क्योंकि आज तक तो ये मेरे किसी काम नहीं आई, लेकिन लगता है मोजैंग ने भी इसे नशा फूंकते हुए बनाया था। अबे साले, क्योंकि अगर आप लेक्टन पे से प्लेस करोगे और इसे ओपन करके देखोगे तो इसकी बाइंडिंग यहाँ से एक पिक्सल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रखी है। तो मोजैंग कितनी बार बोलूं ठीक करो यार इसको। नहीं ज़ॉम्बी माइनक्राफ्ट का अकेला ऐसा मॉब है जो मरने पर सबसे ज्यादा आइटम ड्रॉप करता है, जैसे कि आलू, गाजर, आयरन, टूल्स, आर्मर और भी बहुत कुछ। चलो अच्छा है, कुछ तो खासियत है इसमें। अगर देखा जाए तो एंशिएंट डेब्रिस से भी कीमती तो कोल है, क्योंकि अगर कोल ही नहीं होगा तो एंशिएंट डेब्रिस मेल्ट कैसे करोगे। अबे साले, फर्नेंस में अब ज्यादातर कोल को यूज करते हैं और अगर हम एक कोल का पूरा स्टैक बना लें और उसे फर्नेंस पे काम पे लगाएं तो वो फर्नेंस लगातार आइटम्स को 14 आवर्स यानी माइनक्राफ्ट के 42 डेज तक नॉन स्टॉप स्मेल्ट कर सकता है, मतलब कुछ भी। और एक पूरा स्टैक बनाने के लिए आपको 576 कोल ढूंढना पड़ेगा और इतना कोल ढूंढने में तो भाई हमारे वर्ल्ड में छेद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ये सब छोड़ो, क्रिएटिव मोड यूज कर लो। तो चलो गाइस, अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर लो और से बगल में घंटी आ रही होगी उसे भी ऑन कर लेना, सब पता है आपको, जल्दी से कर दो। तो आज की इस वाली वीडियो पे रखते हैं भाई 2000 लाइक्स का टारगेट। हाँ कुछ ज्यादा बड़ा है लेकिन हो जाएगा, है ना। नहीं तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं एंड टेक केयर, गुड बाय।